कॉलेज में दो तरह के लोग होते हैं, मास मीडिया वाले और बाकी सारे। बाकियों की जिंदगी बड़े शांति और सुकून, इन शॉर्ट बोरिंग तरीके से गुजरती है। ये कहानी है उन हैवानों की जो बीएमएम करते हैं। पिक्चर देखने का शौक अब दिन ब दिन हिपस्टर लेवल के नीचे होता जा रहा था। अब दौर था सिनेमा बनाने का, DSLRs, फोटोग्राफी पेजेस और जीरो बजट शॉर्ट फिल्म का बंदरबाट चल रहा था। हर क्लास में 100 कैमरेज होते थे और उसको चलाने वाले 20। ऐसे में रामाधीर और उसके प्रोडक्शन हाउस यो यो रामाधीर फिल्म्स AKA YYRF ने अपना वर्चस्व जमा लिया था। सरदार निकॉन ने बदले में कह के लूंगा प्रोडक्शन हाउस का एक फेसबुक पेज बना लिया और कई वेले दोस्तों को उसको लाइक करने पर मजबूर कर दिया। सरदार ने जंग का ऐलान कर दिया था और YYRF भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। इस कोर्स के नौजवान बेवजह अपने औजारों को लेकर कॉलेज आते थे, काम हो ना हो DSLR, ट्राइपॉड और मेमोरी कार्ड अपने साथ लेकर घूमते थे। दोनों प्रोडक्शन हाउसेस अपने सारे बंदों को इकट्ठा करके शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट सोचने बैठे। केपी सिंह, AKA यो केपी सिंह रामाधीर का राइट हैंड था। इसके माता पिता दोनों टीवी शो के लिए स्क्रिप्ट लिखते थे। ऊपर पे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो खून केपी में ट्रांसफर नहीं हो पाया। केपी बेटा तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। सरदार निकॉन ने अपनी गैंग में DOP परपेंडिकुलर को ले लिया था। अपने फोटोग्राफी कोर्स के बाद लगातार 3 साल तक परपेंडिकुलर ने अपने कला का प्रदर्शन जहां हो सके वहां कर दिया। ये दिन के 200 फोटोज खींचता था और उसमें से कम 50 अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल कूल फोटोग्राफर 69 में अपलोड करता था। इसके फेसबुक के फोटोग्राफी पेज पर भी 1200 लाइक्स थे और कॉलेज के हर इवेंट को कवर करने की जिम्मेदारी खुद उठाता था। मुंह में 16 GB का मेमोरी कार्ड फिराने वाला परपेंडिकुलर ने इस तरह कॉलेज में अपना नाम बना लिया था। सुल्तान बचपन से यह गेमिंग का शिकार रहा है। डोटा, लीग ऑफ लेजेंड्स, काउंटर स्ट्राइक, कॉल ऑफ ड्यूटी और वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के नशे में बुरी तरीके से फंस चुका था। कंप्यूटर से अलग करने की लाख नाकामयाब कोशिशों के बाद इसके घर वालों ने कुछ प्रोडक्टिव काम करने के लिए लैपटॉप में एक विंडोज प्रीमियर प्रो डलवा दिया। तब से सुल्तान टॉप 10 प्रोज और लुक एट द नोब्स नामक वीडियो क्लिपिंग्स द्वारा एडिट करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता है। रामाधीर ने उसे अपना एडिटर बना लिया और उसे कुछ क्रिएटिव करने का मौका दिया। कई एक्टर्स इन प्रोडक्शन हाउसेस के मूवी का इंतजार कर रहे थे। इस सिनेमा की जंग में कई लोग फेम पाने के लिए मुंह उठाकर ऑडिशन देने आते। कई मॉडलिंग और एक्टिंग करियर के सपने बिखर के टूट गए और कई तो दरवाजे से ही भगा दिए गए। दोनों टीम्स को अपना अपना यूनिट मिल चुका था और ये शूट करने के लिए तैयार थे। अब ये जंग क्या रंग दिखलाएगी ये हम जानेंगे कोर्तोकिनो के CL मीट में।